सेक्टर 4 मजदूर मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा परमंडलीय जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बोकारो पहुंचे। सभी नेताओं ने अपने भाषण में भाजपा को खूब कोसा और उनकी खामियों को जनता के सामने रखा। सभी वक्ताओं ने जनता से अपील की कि इस बार भाजपा को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। रैली में आए मुख्य वक्ता कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कड़े शब्दों में झारखंड के रघुवर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। लोगों को रोजगार नहीं है और जिनको पास रोजगार था उन्हें भी ये सरकार निकालने का काम कर रही है। इनके द्वारा 24 घंटे बिजली देने का वादा आज भी खोखला नजर आ रहा है। विकास के नाम पे लूट का बाजार चल रहा है। इनके विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री का पूर्ण समर्थन है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जिसका साथ है वह रघुवर दास है। तो अपनी विधानसभा की जनता के साथ उनके दुख की जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता है वो ही सचमुच में देश का नेता और इलाके का नेता होता है।